चोरी की शंका में बाप और बेटे के साथ मारपीट करने वाले ठेकेदार के लोगों पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने की। मंदसौर पशुपतिनाथ रोड पर कचरा बिनने वाले बाप और बेटे के साथ पशुपतिनाथ शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के ठेकेदार के लोगों ने चोरी की शंका पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में दोनों पक्ष के कोई थाने पर शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, पर ठेकेदार के लोगों ने दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर कचरा बीनकर घर चलाने वाले बाप और बेटे के साथ जमकर मारपीट करी है। इन बाप और बेटे ने चोरी करी थी तो उन्हें पुलिस के हवाले करना था। पुलिस इनकी पूछताछ करती और भी चोरी का खुलासा कर सकती थी, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं करते हुए कानून हाथ में लेते हुए बेरहमी से बाप और बेटे के साथ मारपीट करी है। कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने कहा कि ऐसे लोगों पर पुलिस की कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इन लोगों ने चोरी करी थी तो इन लोगों को पुलिस के हवाले करना था और पुलिस ने अभी तक वीडियो के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। आदर्श आचार संहिता लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर लगी है, इसके बावजूद भी इस तरह बेखौफ होकर ठेकेदार के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ठेकेदार के लोगों को पुलिस का कोई डर नहीं है, इसलिए दिन दहाड़े डंडों एवं लात घूंसों से बाप और बेटे के साथ मारपीट करी है। आज शिमला शिमला शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उनके ठेकेदार के लोगों ने बेरहमी से बाप और बेटे को मारा है चोरी की शंका पर, क्या कहना? देखिए, कल मैंने एक ये वीडियो सोशल मीडिया पे देखा था, आपके माध्यम से ही देखा था उसको। जो शिवना शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके ठेकेदार द्वारा दो कचरा बिनने वाले एक बाप और बेटे की पिटाई लगाते हुए का वीडियो मैंने देखा, और उस वीडियो में ऐसा बताया जा रहा है कि वो चोरी कर रहे थे। अगर मान लो चोरी भी कर रहे थे वो, तो उनको पकड़ के और उनको पुलिस के हवाले करना था। देश में कानून व्यवस्था है और ऐसे पुलिस की व्यवस्था है, तो ये मारने वाले कौन होते हैं? क्या ऐसा लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और उनने अगर मान लो चोरी की तो पुलिस में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने का अधिकार इनको थोड़ी दिया, और पहले ये तो प्रूफ करें कि उनने चोरी की कि नहीं की।